समर्पण का ही परिणाम है। मुझे याद है 2008 से लेके और 2023 ये 15 साल का सफर, मेरे जो भी साथी इस सुख दुख के अंदर मेरे साथ रहे, अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर तेल भरवा के वो हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए हजारों हजार किलोमीटर और सही दिशा के अंदर जा रहे हैं। और इन छोटे भाइयों को और इन किसानों की जब मैं स्थिति देखता हूं, तब भाइयों मैं 2003 से लेके मंत्री पद छोड़ के आपके बीच आया हूं। नेता तो आपके जिले के अंदर भी बहुत है, कोई रोल्टी का ठेका लेके बैठा है, कोई जिप्सम खोदते खोदते बॉर्डर पे चला गया, मंत्री है सरकार में, लेकिन भूख उनकी उतनी उतनी पैसे की पेट नहीं भर रहा है। वो पैसे के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। एक आपका भाई है जिसने पार्टी भी बना ली, लेकिन अभी तक एक रुपए की रसीद नहीं काटी, एक रुपए का चंदा भी राजस्थान का नहीं लिया। ये शायद देश की पहली पार्टी होगी जो आपके आशीर्वाद से चल रही है। मुझे कई बार चिंता हो जाती है चुनाव स्तर पे। अभी लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने 2000 का नोट खत्म कर दिया, कांग्रेस और दूसरे जो दल है वो चुनाव में पैसा नहीं खर्च पाए। मैंने कहा सबको डर है, लेकिन मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं, तो डर किस बात का? जिसके पास पैसा होता है उसी को तो डर है। मैं गाड़ी के अंदर यही बात कर रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप सब इस लूणकंठ क्षेत्र इस राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में आता है। दुर्भाग्य से राजस्थान केनाल नजदीक से निकलती है, इस इलाके में भी पीने का पानी और कुछ गाँव में सिंचाई का पानी भी आता है, लेकिन हमारी नेताओं की नीयत में खोट नहीं होती। तो लूणकंठसर विधानसभा क्षेत्र, डूंगरगढ़, नोखा, नागौर, जोधपुर का तमाम इलाका 50 साल पहले नहरों से जुड़ जाता, बाड़मेर नर्मदा से जुड़ जाता। हमारे तमाम जो लोग हैं पंजाब के किसानों की तरह हमारे किसान मजबूत हो जाते, हमारे बहन बेटियां बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमरीका के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच क्या थी? खुद के घर का काम निकालना, प्रॉपर्टियां बनाना, और एक का दुपट्टा खोला और दूसरा दुपट्टा पहन लिया। कभी कांग्रेस का दुपट्टा, कभी भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा, कभी अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा तो कभी सचिन पायलट पॉलिटिकल पापा, कभी राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी, कभी मोदी तो कभी वसुंधरा। इसी काम के अंदर राजस्थान के और हमारे बीकानेर के नेता लगे रहे, इसलिए आप लोग पीछे रह गए। वैसे मैं जब भी बात करता हूँ, पिछले 4 साल के अंदर मैंने एक चीज़ देखी। मैं छोटा सा बयान देता हूँ कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, मुझे कहते हुए, क्योंकि पूरे राजस्थान में आरएलपी काम कर रही है, लेकिन बीकानेर के नौजवान एक आवाज पे टूट के पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा आंदोलन अगर राजस्थान के अंदर हुए बीकानेर के नौजवानों ने, लूणकंठसर से लेके और बीकानेर कलेक्टर तक मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा आंदोलन आप लोगों ने किए। कहीं किसान के बेटे के जब गोली मार के हत्या कर दी जाती है, कहीं ब्राह्मण समाज के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, कहीं टोल कर्मियों की लापरवाही से अगर हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चे की मौत हो जाती है, या हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर इस इलाके में कहर बरपाते हैं, उस समय एक ही आवाज़ आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आवाज़ आती है। उसके नौजवान टूट पड़ते हैं और उस थाने का घेराव करते हैं, कलेक्टर का घेराव करते हैं, और 3 घंटे के अंदर अंदर सरकार को सड़क पर ले आते हैं और आपकी जय जयकार कराते हैं। भाइयों, हम एयर कंडीशन में बैठ के वोट मांगने वाले नेता नहीं है। मैं 2003 के अंदर वसुंधरा से झगड़ा जब मेरा हुआ, वैसे वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से नहीं था झगड़ा, लेकिन मैंने आपके लिए झगड़ा किया। मुझे पता था वो मेल की महारानी, हमारे लोगों को कुछ नहीं समझती। वो तो मैंने लड़ा, जब वो ये कहने लगी मैं जाटों की बहू हूँ, पहले तो फोगट की वोट ले गई 4-5 बार, जाट सब दिन अपने मुँह से उन्होंने निकला। किस तरह ठगी की राजस्थान के अंदर, अभी भी ठगी कर रही है। मैं 2009 के अंदर आरोप लगाता था तो मीडिया के साथी कहते थे कि हनुमान जी आपके पास प्रमाण है तो दो। कह दिया ना अशोक गहलोत ने कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण क्या होगा? सीएम खुद ही बोल रहा है जो मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, वो अशोक गहलोत बोल गया, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता।
कि गहलोत वसुंधरा मिलजुल के राजस्थान को चला रहे हैं। एक बार वसुंधरा लूटती है, दूसरी बार गहलोत लूट रहा है। और लूट का आलम यह हो गया कि दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर उत्तर प्रदेश बिहार के सांसद मुझे कहते हैं कि हनुमान जी कुछ बच्चों को डिग्री करवानी है, हमारे यहाँ तो डिग्रियाँ बंद हो गई, आपके अगर चालू हो तो क्या रेट है जहाँ डिग्री मिल जाए राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान की इज्जत देश के अंदर बनी है। भाइयों, इस राजस्थान का मान और सम्मान लौटाना है। कौन लौटाएगा मान और सम्मान? कौन इस किसान की दुर्दशा पे आंसू बहाएगा जो कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है? अगर इस देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी तो नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियां, बीकानेर सीकर की हुंकार रैलियों के बाद आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके संघर्ष से मंदसौर एमपी के अंदर किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा में नहीं। बीजेपी भी कह रही कर्जा माफ करेंगे और कांग्रेस कह रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन में। राहुल गांधी बोला कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। ये याद किसने दिलाया? कर्ज माफी को अगर देश के अंदर याद किसी ने दिलाया तो नागौर के सांसद ने बड़ी जवानी के अंदर सत्ता छोड़ के मंत्री पदों को ठोकर मार के अपने भाइयों के सम्मान के लिए, किसान जवानों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। और उसी लड़ाई का परिणाम है कि देश के अंदर बैठा हुआ प्रत्येक किसान का बेटा कहता है कि इस मामले को और कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ हनुमान जी से ही उम्मीद है। थक हार के हनुमान जी आप ही आखिरी उम्मीद हो। बाय।